हेलो एवरीवन वेलकम टू एड यू हैप आई एम प्रिया शर्मा और आज हम करने जा रहे हैं आपके फर्स्ट फ्लाइट की बुक में से द वेरी फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड बाय जी एल फ्यूंटस नाउ अबाउट द ऑथर हम लोग पहले देखेंगे कि ज्यू एल फ्यूंटस एक मैक्सिकन नावलिस्ट हैं पोएट हैं रह चुके हैं और एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और अपने इसी बैकग्राउंड की वजह से वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे इन मैक्सिकन रिवोल्यूशन ठीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं मेक्सिकन रिवोल्यूशन के और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनका बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट बना है विद 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 फार्मर्स इंडियंस एंड लेबरर्स और आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑल रीजन जी एल फिट ने ये लेटर ये स्टोरी लिखी है अ लेटर टू गॉड ठीक है विच इज बेस्ड ऑन अ फार्मर दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ फार्मर अ फार्मर नेम्ड लेंचो है ना हमारी स्टोरी है लेटर टू गॉड ये एक फार्मर पे बेस्ड है जिसका नाम है लेंचो इसके बारे में हम और आगे डिटेल में देखेंगे सबसे पहले आपसे एक हम्बल uh, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी इंग्लिश के वीडियोस देखें आप अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन करें उसके साथ आप लिंक कर सकते हो हमारी स्टोरी कहाँ चल रही है ओके इफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक नाउ आप देख रहे होंगे आपकी टेक्स्ट बुक में एक सेक्शन है बिफोर यू रीड ओके बिफोर यू रीड दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट What should we put our faith in? This is a question this story delicately poses. aisa kaha jata hai that faith can move mountains hai na माउंटेन्स suna सुना होगा भरोसा पहाड़ों को भी हिला सकती है, है ना अगर आपका बहुत भरोसा है आपका बहुत विश्वास है किसी चीज पे तो आप उस चीज को कैसे भी हासिल कर लोगे भले ही रास्ते में कुछ भी आए यू आर गोइंग टू अचीव वॉट यू वॉन्ट है ना तो वही बात से शुरू किया गया है तो क्वेश्चन बहुत उम्मीदें हैं इफ यू आर वेरी होपफुल आप कुछ भी हासिल कर सकते हो लेकिन क्वेश्चन यह है कि आपको किस चीज पे भरोसा करना है किस चीज पे फेथ करना है ठीक है और इसी क्वेश्चन को यह स्टोरी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है

ये एक क्वेश्चन है जिसको हमें आफ्टर रीडिंग हमें इसको आंसर करना है ड गॉड सेंड हिम द मनी क्या गॉड फर्स्ट लंचो ने अपना काम कर दिया गॉड को लेटर लिख दिया तो क्या गॉड उनके लेटर को रिप्लाई करते हैं क्या उनको वो मनी भेजते हैं जो लंचो ने मांगा है थिंक वॉट यूर आंसर्स टू दीज क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट यू हैव टू बी क्रिएटिव हियर आपको सोचना है ये स्टोरी का प्लॉट कैसा होगा ये स्टोरी कैसे जा रही होगी आपको मालूम है लेंचो यहाँ पे एक फार्मर है हु इज रिटन लेटर टू गॉड एंड वेयर ही इज आस्किंग फॉर हंड्रेड पैसोस तो क्या हुआ होगा क्या गॉड ने रिप्लाई किया क्या गॉड ने पैसे भेजे बी क्रिएटिव थोड़ी देर सोचो कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है जस्ट थिंक ओवर इट एंड वी आर मूविंग अहेड विद द स्टोरी ओके नेक्स्ट इज अबाउट द कैरेक्टर्स हमारे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है उनके बारे में देख लेंगे सबसे पहले हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट द सेंट्रल कैरेक्टर इज लेंचो लेंचो जो कि एक बहुत ही सिंपल से फार्मर है ओके okay? अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी नहीं भी पढ़ी होगी तो लेट मी टेल यू कि आपको इस स्टोरी में राइटर ने लेंचो को एड्रेस किया है एज एन ऑक्स ऑफ अ मैन एंड ऑक्स ऑफ अ मैन

बीच में पोस्टमैन भी है लेंचो की फैमिली भी है बट उनके बहुत छोटे रोल्स हैं हमको इन दो पे ही ध्यान देना है एक ले है लंचो दूसरे है पोस्टमास्टर वो कैरेक्टर जिन्होंने लेंचो को एक्चुअली गॉड के रूप में हेल्प किया लेंचो को पता भी नहीं चलने दिया और कहीं ना कहीं गॉड की जगह पे आके गॉड जैसे गॉड का रूप लेके उन्होंने लंचों को हेल्प किया बाय गिविंग हिम वॉट ही वॉन्टेड

ठीक है तो हियर इज द ग्रेट आयरनी कि जो उन्होंने काम किया है वैसा उनको रिजल्ट नहीं मिला कुछ और ही समझ लिया गया है कुछ और ही बोला जा रहा है ओके मूविंग अहेड आपको यहाँ पे बिगिनिंग में इस चैप्टर को हमने इवेंट्स में डिवाइड किया है और हम उसको इवेंट्स वाइज समझेंगे तो वेरी फर्स्ट इवेंट इज लें होप ऑफ गुड हार्वेस्ट इफ़ यू गो ऑन टू रीड योर स्टोरी इन द टेक्स बुक यू विल सी कि एकदम शुरुआत जो सेटिंग है वो सेटिंग कहाँ की है उनके घर के बाहर वो बैठे हुए हैं ऑन द टॉप ऑफ द हिल एंड ही इज वेटिंग फॉर अ नाइस शावर फॉर अ नाइस रेन सिंपल वर्ड अच्छी खासी बारिश का इंतजार कर रहे हैं सो वट हीपिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट की बारिश होगी उससे जो मेरे ऑलमोस्ट राइपिन जो क्रॉप uh, है, है वो कंप्लीटली रेडी हो जाएगा टू बी हार्वेस्टेड तो ही इज होपिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट नेक्स्ट टर्निंग ऑफ लेंचोज होप इन टू डिस्पेयर हाउ वी प्रेडिक्टी एक्सपेक्ट ठीक है जो वो होप कर रहे हैं वो हुआ बट हाउ ड होप टर्न इन टू डिस्पेयर इन होपलेसनेस ठीक है कैसे उनकी उम्मीद है होपलेसनेस में बदल जाती है जो उन्होंने उम्मीद किया वो कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट में हो गया एंड सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है ठीक है नेक्स्ट लेंचोज फर्म बिलीफ इन गॉड नेक्स्ट इज लेंचो का कितना विश्वास है गॉड पे अगले इवेंट में हमें पता चलेगा वेर ही राइट्स द लेटर हाउ वी कम टू नो अबाउट हिज फर्म बिलीफ इन गॉड वेन ही राइट्स द लेटर टू गॉड इट कि उनका कितना ज्यादा विश्वास है गॉड के ऊपर नेक्स्ट इज द पोस्ट मास्टर रिएक्शन टू लेंचोज लेटर पोस्टमास्टर जब यहां पे लेंचो ने लेटर लिख दिया उस लेटर को जाके मेलबॉक्स में डाल दिया पोस्ट ऑफिस के जब पोस्टमास्टर ने उस लेटर को पढ़ा उनका क्या रिएक्शन था लंचो के लेटर को देख के ओके नेक्स्ट इज लेंचो एड्रेस पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ एम्प्लॉय एंड द एंड कि कैसे लंचो आफ्टर पोस्टमास्टर रिएक्ट ही आल्सो ट्राइज टू प्रोवाइड लंचो विद व्हाट ही वांट्स उसके बाद लंचो अगेन राइट्स अ सेकंड लेटर वेर ही एड्रेसेस एड्रेस दोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रुक्स ओके नाउ द वेरी फर्स्ट इवेंट लेंचो होप्स लंचो इज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट ठीक है लंचो अपने फील्ड uh, के लिए एक बहुत अच्छा हार्वेस्ट उम्मीद कर रहा है होगा उस दिन क्या हुआ सबसे पहले आपका जो इंट्रोडक्टरी लाइन्स है वो ये है कि लंचो का एक लौता घर था और वो घर कहाँ था इट वॉज एट द क्रेस्ट ऑफ दैट लो हिल ठीक है क्रेस्ट इज द टॉप ऑफ अ लो टॉप ऑफ़ अ हिल और उस लो हिल के क्रेस्ट पे एकदम टॉप पे उस पूरी वैली में उनका एक लौता घर था और उस हाइट से किसी को भी बहुत आसानी से वो जो रिवर थी वहां पे फ्लो होती हुई वो नजर आती थी लंचों को अपनी क्रॉप नजर आती अपनी फील्ड नजर आती थी तो उस हाइट से अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा पैनोरामिक व्यू दिखता था ओके सो so, आगे स्टोरी में बताया गया है कि लेंचो उस दिन सुबह से बैठे हुए हैं अपने घर के बाहर एंड ही टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन एंड ही इज फीलिंग दैट मेरे क्रॉप्स को एक डाउन की जरूरत है डाउन आपके बुक में वर्ड यूज किया गया है डाउन पोर विच मीन्स हैवी रेन ठीक है जिसका मतलब होता है ठीक है बट ही दैट डाउन पोर नहीं एक शावर भी मिलेगी कोई हल्की फुल्की बारिश भी हो जाएगी फिर भी मेरा फील्ड विल बी वेरी गुड टू बी हार्वेस्टेड ओके सो ही इज वेटिंग ऑल डे फ्रॉम द मॉर्निंग वो बस वहां पे बैठे रहे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन में बस क्लाउड्स को देखने की कोशिश की ही वॉज ट्राइंग टू अज्यूम द वेदर ठीक है वेदर कंडीशन को समझने की कोशिश कर रहे थे एंड ही जस्ट वॉन्टेड डाउन पोर फॉर हिज फील्ड ठीक है

वुमन रिप्लाई हाँ अगर गॉड की इच्छा हुई तो जरूर हमें पानी इन दिन ठीक है तो दोनों बहुत उम्मीदें लगा रहे हैं है। तो है, भगवान की इच्छा हुई तो आज जरूर बारिश होगी जिसकी हमें जरूरत है वो हमें मिलेगा ठीक है अब द वुमन वॉज एट दैट टाइम शी वॉज कुकिंग आफ्टर शी प्रिपेड मील मील प्रिपरेशन हो गई शी कॉल्ड आउट टू द होल uh, फैमिली अपने हसबेंड को बुलाया जो बच्चे थे यहाँ पे और एक बताई गई है कि लंचों के कुछ बच्चे थे सम व ओल्डर जो ओल्डर किड्स थे जो ओल्डर बच्चे थे दोड्स वर्किंग इन द फील्ड और जो छोटे बच्चे थे देवर प्लेइंग नियर द हाउस तो वोमन ने सबको बुलाया टू हैव देअर मील सब लोग बैठ के खाना खाने लगे एंड इट वॉज जस्ट द मील टाइम जब क्या हुआ रात का समय था इट वॉज सपर ठीक है सपर इज डिनर ठीक है सपर का समय था और उस समय पे अचानक जैसे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था काले बादल आसमान में छा गए और उसके साथ साथ क्या हो गई जोरो की बारिश शुरू हो गई ठीक है अब जैसा लंचो ने प्रेडिक्ट किया था वैसा हुआ तो लंचो को बहुत खुशी हुई ही प्रेडिक्टेड की अच्छी खासी बारिश होगी बारिश हुई और जस्ट टू फील द रेन ओवर हिज बॉडी जस्ट टू फील द वॉटर ओवर हिज बॉडी हाउस उन्होंने बारिश में भीगा बारिश को एंजॉय किया और यहाँ पे वो क्या करते हैं वो बारिश को एड्रेस करते हैं बारिश की बूंदों को एड्रेस करते हैं एज समय एज फाइव सेंट पीसेस एंड टेन सेंट पीसेस किन बूंदों को जो बड़ी बूंदे थी बारिश की

फाइव सेंट पीसेस ठीक है वो कहीं ना कहीं इस बारिश को अपने हार्वेस्ट इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं बारिश का विद रेवेन्यू विच ही हार्वेस्टिंग हिज फील्ड ठीक है तो उन्होंने ये कंपैरिजन किया काफी देर अच्छी खासी बारिश हुई अब अचानक से क्या हुआ जोरो की हवा चलने लगी और जोरों की हवा चलने के बाद हेल बरसने लगे हेल स्टोन्स क्या होते हैं आइस के पीसेस होते हैं राउंड शेप में होंगे या कुछ भी अदर शेप में होंगे आइस के पीसेस होते हैं जो बिल्कुल बारिश की तरह आसमान से गिरते हैं तो ये देख के पहले वो थोड़े ठीक ही थे उनको कोई टेंशन नहीं हुई एंड द हेल द हेल इज रिफर टू एज न्यू सिल्वर कॉइंस ही सेज दैट दीज आर न्यू सिल्वर कॉइन्स क्योंकि इनका कलर भी कुछ सिल्वर जैसा होता है ठीक है उन्होंने इसको एड्रेस किया एज न्यू सिल्वर और इसको और एक बात कहा गया है दे आर ऑल्सो रिफर टू एज फ्रोजन पर्ल्स जिनको उनके बच्चे जाके कलेक्ट करने लगे बच्चों को ये सब चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है तो बच्चे ये सब जो हेल स्टोन्स थी इनको जाके कलेक्ट करने लगे तो एट दैट मोमेंट इट इज रिफर्ड टू एज फ्रोजन पर्ल्स ठीक है नाउ उन्होंने पहले तो इस चीज को ज़्यादा अंदाजा नहीं लगाया बट ये चलता रहा करीब एक घंटे तक हेल स्टॉम आप कह सकते हो बिकॉज अगर सिर्फ हेल गिर रहा है नॉर्मली इट इज नॉर्मल अलोंग विद वेरी स्ट्रोंग विन्स जब हेल स्टोन्स गिर रहे हैं इट इज हेल स्टॉम तो ये जो हेल स्टॉम था इसने करीब एक घंटे तक आतंक मचाया और उसके बाद जो लंचो की फील्ड थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी बिकॉज द होल फील्ड वॉज कवर्ड विथ हेलस्टोन्स है ना आप देख सकते हो पेड़ पे से पत्ते भी जा चुके थे तो लेंचो ऐसा कहते हैं कि आ, पहले तो जब बारिश हो रही थी ना अच्छी बारिश हो रही थी तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी फील्ड इज ड्रेप्ड विद अ कर्टन ऑफ रेन रेन की चादर ने उनके रेन के पर्दे ने उनके फील्ड को कवर कर लिया है बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट लग रहा था उनको देख के लेकिन जैसे ही ये हुआ डिस्ट्रक्शन हुआ वो कहते हैं कि हेल ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया हेल ने तो कुछ भी मेरे लिए छोड़ा नहीं अगर एक आ, प्लेग ऑफ लोकस्ट भी आता ना तो भी इससे ज्यादा छोड़ देता प्लेग ऑफ लोकस्ट लोकस्ट एक ऐसा इंसेक्ट है जो Uh, एक साथ झुंड में आते हैं स्वम ऑफ लोकस्ट आप कह सकते हो जिसको टिड्डिया जो बहुत रिसेंटली आफ्टर कोविड टिड्डियों के बारे में बहुत न्यूज फैली थी ठीक है तो वो क्या कहते हैं कि अगर एक प्लेग ऑफ लोकस्ट भी आता ना मेरे फील्ड को खाने के लिए तो भी कुछ छोड़ देता लेकिन इस हेल ने तो कुछ भी छोड़ा नहीं है एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉइड नॉट इवन अ सिंगल लीफ ऑन द ट्री नॉट अ सिंगल फ्लावर ऑन द क्रॉप्स है ना कोई भी फ्लावर बचा नहीं है एक भी पत्ता पेड़ पे बचा नहीं है सब कुछ खत्म हो चुका है वो रात उस परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा रात थी It was a very sorrowful one. बहुत दुख भरी रात थी सब लोग बहुत परेशान थे ये साल कैसे बीतेगा बट पूरे हाउस होल्ड में उस एंटायर वैली के जो सॉलिटरी हाउस में रहने वाले हर एक मेंबर के दिमाग में एक ही उम्मीद थी एक ही होप थी एंड दैट होप वाज ऑफ अ हेल्प फ्रॉम गॉड वो होप क्या थी कि हमें मदद मिलेगी हमें हेल्प मिलेगी फ्रॉम गॉड ठीक है इसी चीज को आगे प्रूव करता है लंचोस फर्म बिलीफ इन गॉड आउट ऑफ दैट होप व्हाट ही डस सबसे पहले तो अपने फैमिली को बहुत ज्यादा सिंपथाइज uh, करते हैं उनको बहुत ज्यादा कंफर्ट दिलाते हैं यह कह के कि दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर ऐसा कहते हैं लोग कि कोई भी भूख से मरता नहीं है सो डोंट वरी हमारे लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा टेंशन मत लो हम भी जी जाएंगे हम भी ये साल पार कर लेंगे घर में टेंशन है ना कि हम ये साल कैसे बिताएंगे पैसे कहाँ से आएंगे अनाज कहाँ से आएगा लेकिन क्योंकि लेंचो खुद बहुत होपफुल है वो अपने परिवार को भी बहुत कंफर्ट दिला रहा है ये सब बातें कह के नो वन डाइज ऑफ हंगर डोंट वरी सब कुछ ठीक हो जाएगा हम इसमें से कोई रास्ता निकाल लेंगे उसने भले ही अपने फैमिली से ये बात कह दी बट उस सारी रात खुद भी सो पा रहा नहीं था वो खुद भी चैन से सो नहीं पा रहा था बस वो फुल टाइम पूरे समय अपनी फील्ड के बारे में ही सोच रहा था कि मैंने ऐसा कह तो दिया है अपने परिवार से लेकिन मेरी फील्ड का क्या अब अब मैं किसके पास जाऊं मैं किससे मदद मांगू ठीक है दैट इज वेन ही कम्स अप विद दिस थिंग विद दिस आईडिया विल राइटर लेटर टू गॉड विच एक्सप्रेसिस बिलीफ इन गॉड ठीक है इस समय पर वो सोचते हैं कि मैं भगवान को लेटर लिखूंगा जहां पे ही डिमांडिंग हंड्रेड पेसोर्स फ्रॉम गॉड ठीक है सो द फॉलोइंग सनडे वो सुबह इस मोमेंट पे और एक बात बताई गई है दैट ऑल दो वॉज अ फार्मर ही वॉज अ मैन बहुत हार्ड वर्क करते थे अपने फील्ड में वो एक फार्मर थे बस खेती बाड़ी करते थे ऐसा मत सोचो

फील्ड है उसको मैं फिर से एक बार सो कर पाऊं और ये जो ईयर है इसको स्पेंड कर सकूं इफ यू वॉन्ट हु अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे तो हु बिकॉज दर आर डॉट्स बिकॉज ही मस्ट बी हिज लेटर जो वी नो अबाउट वी नो अबाउट वॉट द स्टोरी बिकॉज एन हिस्सा ओवर द होल वैली ओवर द गार्डन ओवर द रिवर एवरीवेयर स्टॉम है ना आप लोग ये अगर टेक्सट बुक में देखोगे देर इज ऑल्सो दिस लाइन की पूरे uh, वैली में ऑन द एंटायर वैली ऑन द गार्डन ऑन द रिवर ऑन द हिल साइड एवरीवेयर इट वॉज रेनिंग दिल स्टॉम वॉज रेनिंग ठीक है तो ही राइट दिस कि ऐसा ऐसा हुआ है आई नीड हंड्रेड पेसोस आप मुझे हेल्प नहीं करोगे तो और कौन करेगा ठीक है उन्होंने ये लेटर लिखा ही ऑलरेडी है मैं खुद टाउन में जाऊंगा और खुद अपने हाथों से मेल बॉक्स में इस लेटर को डालूंगा तो एज ही डिसाइडेड उन्होंने वही किया उन्होंने सबसे पहले लेटर लिख दिया उसके बाद वो टाउन गए और उन्होंने मेल बॉक्स में उस लेटर को डाल दिया ह्यर इज वेन पोस्ट मास्टर्स रिएक्शन टू लंचोस लेटर यहां पे हम देखेंगे कि पोस्टमास्टर का क्या अपना लेंचो ने तो हम अपना काम कर लिया कि उन्होंने लेटर लिख दिया उन्होंने मेल बॉक्स में डाल दिया अब वो लेटर पहुंचेगा पोस्टमास्टर के हाथ में कैसे पोस्टमैन थे एक यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो सिर्फ लेटर्स या कुरियर ही डिलीवर नहीं करते थे उसके साथ में वो पोस्ट ऑफिस के अंदर भी काम कराते थे तो ये उनका काम था कि वो मेल बॉक्स में से पोस्ट जो भी आए है जो भी लेटर्स आए हैं उनको निकाल के अंदर लेके जाएं ऑफिस में लेके जाएं तो वेन ही रिमूव लेंचोज लेटर एंड वेन ही सॉ द एड्रेस टू गॉड बिकॉज लेंचो ने उसमें सिर्फ क्या लिखा था टू गॉड ही जस्ट साइंस एज टू गॉड द एड्रेस वॉज टू गॉड ठीक है उस पोस्टमैन ने आज तक कभी ये एड्रेस देखा नहीं था ही वॉज वेरी सरप्राइज ही वो इट वॉज वेरी फनी फॉर हिम बिकॉज आज तक के करियर में उन्होंने कभी एड्रेस नहीं देखा था एंड ही टुक दिस लेटर डायरेक्टली टू द पोस्ट मास्टर जिसको देख के पोस्ट मास्टर भी बहुत हार्टीली हंसने लगे ठीक है लेकिन ऑलमोस्ट इमिडिएटली ऑलमोस्ट सडनली ही स्टॉप्स लाफिंग विच शोज हिज कंसैंस कि कैसे वो कॉन्शियस थे कैसे वो समझ रहे थे भावना लिखने वाले की ठीक है ऑलमोस्ट हंसते हंसते वो रुक जाते हैं और वो सोचते हैं इस बारे में कि वॉट फेथ क्या विश्वास है I wish, काश मेरा भी भगवान पे इसी आदमी के जैसा विश्वास होता ठीक है उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतना विश्वास कर सकता है भगवान के ऊपर गॉड के ऊपर ठीक है तो वो बोलते काश मुझ में भी इतना विश होता तो क्योंकि ही वॉज सो इम्प्रेस बाय दिस पर्सन फेथ इन गॉड ही डिसाइडेड दैट ही विल आंसर द लेटर बट एज सुन एज ही ओपन द एनवेल एनवेल के ऊपर टू गॉड लिखा हुआ था जैसे ही उन्होंने एनवेल खोला और अंदर जो डिमांड की गई थी उसको पढ़ा ही रियलाइज दैट ओनली गुडविल इन कैन पेपर वोट बी इनफ सिर्फ उनकी गुडविल जो उनकी अच्छी इच्छा है जो उनका प्योर इच्छा है टू हेल्प दिस मैन और इन कैन पेपर दट ही राइट समथिंग ऑन अ पेपर एंड गिव इट टू द पर्सन रिटन दिस लेटर एज गॉड दैट वी इनफ वो ये समझ गए थे उसके लिए क्या लगेगा उसके लिए सम फाइनेंस विल ही विल नीड ठीक है सो वॉट ही डज वो इसी वजह से अपने जो एम्प्लॉय है पोस्ट ऑफिस के उनको और अपने सम ऑफिस फ्रेंड्स ठीक है इन सबको अप्रोच करते हैं टू गिव समथिंग फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी ठीक है ही अप्रोचेस एवरी वन होम ही न्यू ही हिमसेल्फ डोनेट हिज पार्ट ऑफ हिज पार्ट ऑफ सैलरी ओके okay, वो अपने हिस्से के भी सैलरी इस एक्ट के लिए डोनेट करते हैं और वो जिनको भी जानते थे उनके ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उनके फ्रेंड्स है उन्होंने सबसे कहा एवरी वन वॉज टू डू सो ठीक है आप ये स्टोरी में पढ़ोगे कि सब लोग ये करने के लिए बहुत खुश नसीब अपने आप को समझ रहे थे वर फीलिंग गुड डूइंग दिस ठीक है सबने ये चीज की एवरी वन गेव अमाउंट फ्रॉम देयर सैलरी और देयर सेविंग्स वॉट ठीक है

सेम पोस्टमैन जिन्होंने मेल बॉक्स में से उनका लेटर निकाला होता है वो सेम पोस्टमैन जाके उनको अपना लेटर हैंड ओवर करते हैं और वेन ही ओपन द लेटर ये सारा सीन सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं पोस्टमैन uh, ने उनको उनका लेटर हैंड ओवर किया और ये सारा सीन पोस्टमास्टर अपने ऑफिस में से देख रहे हैं ठीक है ही वॉज कंटेंटेड मैन ठीक है एट दैट मोमेंट वो एक बहुत ही सेटिस्फाइड मैन थे जिन्होंने एक बहुत ही गुड डीड करने की कोशिश की हुई थी ठीक है सो ही वॉज अ कंटेडेड मैन जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ था और वो अपने काम का रिजल्ट देख रहे थे कि क्या होगा ही वॉज ऑल्सो ईगर टू नो कि क्या होने वाला है ठीक है तो यहाँ पे पोस्टमैन ने लेटर हैंड ओवर कर दिया है लेंचो को लेंचो उसको ओपन करते हैं अगेन फॉर एवरी वन इंफॉर्मेशन दैट उज लेटर के ऊपर फिर से फ्रॉम गॉड लिखा हुआ था फ्रॉम गॉड बी नहीं जस्ट गॉड बिकॉज द पोस्ट मास्टर हैड साइंड जस्ट गॉड ही एड्रेस एज जैसे कि सेंडर कौन है गॉड ठीक है किसी और, और कुछ ने लिखा ही जस्ट रोड गॉड ठीक है सो उनको वो लेटर मिला ही रिसीव्ड फ्रॉम लेटर फ्रॉम गॉड ठीक है उन्होंने उसको ओपन किया एंड फॉर द पोस्ट मास्टर वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए ठीक है पोस्ट मास्टर को ये देख के सरप्राइज हुआ दैट वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए ऑन टॉप ऑफ इट वो नाराज हो गए ही एंग्री ओवर समथिंग अब वो रीजन तो उनको समझ नहीं आया पोस्ट मास्टर को ठीक है uh, कि वो क्यों गुस्सा हो गए क्यों नाराज हो गए उसके बाद वॉट ही डिड सबसे पहले हम ये जान लें कि पोस्टमास्टर ने क्या किया था पोस्टमास्टर ने पैसे तो अरेंज किए थे बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम ऑल्सो टू अरेंज द कंप्लीट हंड्रेड पेसोस। एक ये चीज है पेसोस। पेसोस क्या है पेसोस करेंसी है ऑफ सम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ठीक है पेसोस करेंसी है ऑफ सम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जैसे इंडिया में रुपीज होता है रुपीज के नीचे पैसे आते हैं वैसे ही पेसोस है पेसोस के नीचे सेंस है कॉइन्स सेंस में होते हैं उसके बाद रुपीज जैसे पैसोस ओके okay? सो so, ही डिमांडेड फॉर हंड्रेड पैसोज और पोस्ट मास्टर के लिए भी ये इम्पॉसिबल था कि वो हंड्रेड पैसोजमा कर पाए उनसे सिर्फ मोर देन हाफ ही जमा हो पाए और कितने हो पाए थे ही कुड ओनली अरेन्ज सेन सेवेंटी पैसोज उन्होंने उस एनवलप में डाल के हैंड ओवर करवा दिए थे टू लंच ठीक है तो यही देख के लेंचो नाराज हो गए थे कि मैंने तो हंड्रेड इस इस गॉड ने सिर्फ सेवेंटी कर ही नहीं सकते हैं ना ही वो मुझे धोखा दे सकते हैं उनसे ऐसी मिस्टेक हो ही सकती है? नहीं है सो वॉट ही डज ही गोज ओवर टू द विंडो जहां से आप कुछ सप्लाईज खरीद सकते हो सम पेन एंड पेपर ही आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक इंक इन मतलब पेन मांगते हैं और पेपर मांगते हैं टू राइट अ सेकेंड लेटर ठीक है दिस टाइम लेंचो राइट्स अ सेकेंड लेटर उसको लेके ही गोज टू पब्लिक राइटिंग टेबल और वहां पे ही राइट्स समथिंग जो पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से देख रहे हैं और उन्होंने क्या नोटिस किया वो लिखते समय अपना सेकेंड लेटर लिखते समय लेंचो वॉज uh, उनकी ब्राउ कैसी हो रही थी ही वॉज राइटिंग विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ ठीक है अपने ब्राउज को रिंकल करके ऐसे आप ऐसे क्यों करते हो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्राउन दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फ्राउन फ्राउन करते हुए वो लिख रहे थे बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी फॉर हेम टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज इन वर्ड्स जो वो सोच रहे थे उसको लिखना लेंचो के लिए आसान नहीं था दैट इज वाई ही वॉज फ्राउनिंग ठीक है दैट इज वाई ही वॉज रिंकलिंग हिज ब्राउज ये सब चीजें पोस्टमास्टर देख रहे हैं और वो बहुत हैरान है कि ये क्या हो रहा है ठीक है एंड ही इज ईगर कि जैसे ही वो अपना ये लेटर लिख के उसमें डालेंगे मैं जाके फिर से ये लेटर पढ़ूंगा कि क्या ऐसा लिखा है लेंचो ने ठीक है तो पब्लिक राइटिंग टेबल पे लेंचो अपना लेटर लिख रहा है ही इज फ्राउनिंग ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज इन वर्ड्स ठीक है उन्होंने अपना लेटर कंप्लीट कर लिया अगेन ही गोस टू द विंडो वहां से एक स्टैंप लेते हैं विथ ही लिक्स जिसको वो अपने टंग पे लिक करते हैं एंड देन विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट

आके देखते हैं पढ़ना चाहते हैं लेटर में क्या लिखा है एंड टू हिज सरप्राइज ही रीड्स कि लंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को एक बंच ऑफ क्रूक्स कहा है दिस टाइम उन्होंने क्या लिखा है लंचो ने क्या लिखा है दिस टाइम कि गॉड आउट ऑफ द मनी आई आस्ट यू ओनली सेवेंटी पैसोज रीच्ड मी हंड्रेड पैसोज में सिर्फ सेवेंटी पैसोज मुझ तक पहुंचे हैं आई इन आई एम इन वेरी अर्जेंट नीड ऑफ द रिमेनिंग मनी मुझे आप प्लीज रिमेनिंग मनी भी भेज दो क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है उन पैसों की बिकॉज यू नो मैं कैसे अपना काम करूंगा आई एम इन नीड ऑफ दैट मनी प्लीज आप मुझे बाकी के पैसे भेज देना बट यर इज अ कंडीशन बट डोंट सेंड मी द मनी थ्रू मेल दिस टाइम इस बार जो आप पैसे भेजोगे उसको आप मेल से मत भेजना बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक

पोस्ट ऑफिस भरोसा नहीं है मुझे हंड्रेड पेसोस भेजे थे थर्टी पैसोज इन लोगों ने निकाल लिए आई बिलीव ठीक है तो अगली बार आप ऐसा मत करना प्लीज सेंड इट मी uh, सेंड इट टू तो मी इन समर वे ठीक है एंड विद द स्टोरी एंडस ह्योर इज द पोस्ट मास्टर हु इज रीडिंग लंचोज लेटर ठीक है उन्होंने लंचो का लेटर पढ़ा है आगे पोस्ट मास्टर ने क्या फील किया हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज अड वी डोंट नो अबाउट दैट ऑथर ने हमको नहीं बताया है यू कैन अज्यूम ऑब्वियसली पोस्ट मास्टर को अच्छा नहीं लगा होगा दैट कुड बी अ थिंग उनको नहीं अच्छा लगा होगा उनको लगा होगा कि ओ माई गॉड ही सच अ बिलीवर ठीक है सो हियर द स्टोरी एंड इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है आई होप आप सबको समझ में आई हो कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन हो फील फ्री टू आस्क टाइप इट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड वील आंसर दैट सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ओके बाय एवरी वन डाउनलोड द एप नाउ